चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मिक्सी का मोटर कैसे चेंज करते हैं। कई बार दोस्तों मिक्सी का मोटर ख़राब हो जाता है, वो रिपेयरिंग करने लायक नहीं रहता है, तो हम लोग उसमें मिक्सी का मोटर सीधा नया लगाते हैं। तो नया मोटर कैसे लगाते हैं, आपको इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको मैं पलट लेता हूँ, ऐसे पीछे पलट लिया। तो देखिए दोस्तों, इसमें मिक्सी में ज़्यादा सामान नहीं रहता दोस्तों। रिपेयरिंग, आप अगर इस फील्ड में नए हो तो आप डरते होंगे कि इसमें बहुत सारा मशीन रहता है, कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा सामान रहता नहीं है। तो इसमें एक एक वायर रहता है, ये मेन लीड जो एसी सप्लाई करता है मिक्सी के लिए। और इसमें एक रहता है दोस्तों, ये फ्यूज है, मान के चलो इसको हम ओवरलोड प्रोटेक्टर बोलते हैं, लेकिन ये फ्यूज का काम करता है। जैसे कोई जार में ज़्यादा दाल वगैरह डाल देते हैं तो ये हीट होने लगता है, हीट होके ये ऑटोमेटिक सप्लाई को बंद कर देता है। तो ये एक तरह का फ्यूज है। और इसमें एक लगा है रोटरी स्विच, जो स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए लगाया गया है इसमें। ये देखिए, ये है रोटरी स्विच और एक मोटर है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोटर कैसे चेंज करते हैं। ये जो मोटर है दोस्तों, मैंने नया ला के लगाया था, लेकिन ये ख़राब हो गया। एक एक बार चालू होके बंद हो गया। तो कई बार ऐसा केस आता है दोस्तों, नया मोटर ख़राब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आज चेंज करते हैं, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये वाला, सबसे पहले ये वाला नट आपको ढीला करना है, जो बॉडी में फिटिंग रहता है। ये नीचे का बॉडी और ऊपर का बॉडी दोनों जुड़ के रहता है। और एक सेकंड, ये नीचे का बॉडी और ये ऊपर का बॉडी फिट रहता है इसमें। तो यही वाला नट के सारे फिट रहते हैं दोस्तों। तो बगल बगल में रहता है चारों तरफ, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो इसको खोल लेते हैं अपन। चलिए दोस्तों, मैं खोलता हूँ। ये दोस्तों निकल गई है, नट भी पीछे से ढीला कर लिया था मैं। अब इसका हम रोटरी स्विच का वायर निकालेंगे दोस्तों। ये निकल गया वायर, रोटरी स्विच का वायर निकल गया। अब ओवरलोड का वायर निकालते हैं। आज अकेला हूँ दोस्तों वीडियो बनाने में, मैं तो मेरे को थोड़ा दिक्कत जा रहा है मोबाइल संभालने में। तो मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों आपको। फाइनली दोस्तों ये मोटर निकल गया, ये नया मोटर ही था दोस्तों, लेकिन ये ख़राब हो गया, इसका आर्मेचर जल गया। तो सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे गुरमुट, ताकि मोटर इधर उधर हिले मत। इसमें लगा है लेकिन ख़राब दिख रहा है दोस्तों मेरे को, फट फट गया है, ये फट गया है। अभी निकालते वक्त तो फटा होगा, तो चलिए मैं लेके आता हूँ इसको। तो दोस्तों, हम लोग ये ले आए हैं चार ठोक, चार पीस गुरमुट। अब इसको हम लगाएंगे। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें बहुत आसान काम है ये। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग निकाल लिए पुराना वाला गुरमुट। तो इसमें हम लोग लगाएंगे नया वाला गुरमुट।
तो दोस्तों हम लोग ये लगा लिए गुरमुट, इसको हम प्रेस करके लगाएं, ये ऐसा ये निकल जाता है, ऐसा लगा सकते हैं इसको आसानी से। अब इसको दोस्तों मोटर को बिठाना नीचे, तो अपने को ध्यान रखना है कि ये रोटरी स्विच जिधर साइड में है उधर साइड इसका ये स्पीड का वायर रहना चाहिए ताकि नज़दीक रहे, तो छोटा नहीं पड़ता है। अगर आप इसको दूसरी तरफ लगा देंगे तो मोटर तो घूमेगा लेकिन वायर छोटा हो जाएगा, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है, ये जो 3 ठोक वायर रहता है स्पीड का, तो इसी में, ठीक है दोस्तों, तो उसको हम लोग लगाते हैं। ये रहा दोस्तों, हम लोग घुसा दिए। इसके छेद में घुसाना है आपको गुरमुट के, और इसको अच्छे से और प्रेस कर देना है। ये हो गया दोस्तों, लग गया। अब इसमें हम लोग लगाएंगे इसका वाइसर ऊपर वाला रबड़, रबड़ भी लग गया। अब हम इसको इसका कवर लगाएंगे। ये रहा इसका कवर, इसको भी मिला लेना है। एक कवर लग गया दोस्तों, ठीक, इतना हो गया आपका। अब इसको हमको पलटना है, चलो मैं इसको पलट लेता हूँ पहले अच्छे से ताकि मोटर गिरे मत नीचे। ये देखिए दोस्तों, मैंने पलट लिया इसको। अब इसका नट लगाना है, ये वाला नट 4 ठोक है, जो ये नट लंबा लंबा रहता है, ये देखिए, चारों नट को लगा देना है आपको एक एक करके। तो हम लोग पहले इसको जगह में रख लेते हैं, एक दो ठोक को हल्का हल्का कस लेंगे दोस्तों, टाइट कर देंगे नट को ताकि ये हिल डुल ना सके बिल्कुल भी। तो 1 ठोक लग गया दोस्तों, अब मैं लगाता हूँ। चलो नट को मैं पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों हम लोग नट अच्छे से टाइट कर लिया है, अब बारी आती है इसका वायरिंग का। तो वायरिंग आसान है दोस्तों, ये रोटरी स्विच में 3 पॉइंट दिए रहते हैं दोस्तों, 1 2 3, ये 1 हो गया, 1 2 3, इसको 1 2 3 में लगा देना है, स्पीड कम ज़्यादा रनिंग देख के आपको। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ। चलिए दोस्तों इसको हम लोग लगा लेते हैं। इसमें स्पीड का उतना फर्क नहीं रहता है दोस्तों, थोड़ा सा रहता है, लोग उतना उसको भी उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप इसको स्पीड चेक करके लगा सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों, मैं लगा रहा हूँ इसका रोटरी स्विच का स्पीड का वायर। ये स्पीड का वायर लग गया दोस्तों। अब बचा एक और सेकेंड पॉइंट, ये इसको मान लेते हैं दोस्तों न्यूट्रल है, ये तीनों फेस है, एक न्यूट्रल है, बस फेस न्यूट्रल का काम रहता है। न्यूट्रल 3 स्पीड में मिल, मतलब अंदर से ही स्पीड निकला रहता है, और ये इसका न्यूट्रल है, 3 भाग में फेस रहता है, एक भाग में न्यूट्रल, न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है। तो इसको अब हम लोग लगाएंगे ओवरलोड स्विच में, OLP में। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग लगा देते हैं इसको ओवरलोड स्विच में। ये दोस्तों ये लग गया, अब इसको हम लोग ऑन करके देखते हैं।
मिक्सी चालू होता है या नहीं, या कोई हिलता डुलता है, कुछ दिक्कत है तो अभी देख लेंगे इसको। पहले हम इसको लगाएंगे सीरीज में। ये हमारा बोर्ड है दोस्तों, ये सीरीज चालू दिखा रहा है, देखिए सीरीज बल्ब जल रहा है, ये स्पीड का ये हो गया आप। अब इसको हम करेंगे डायरेक्ट, देखिए बंद है अभी, और इसको हम ऑन करके देखते हैं। देखिए देखिए चालू हो गया, आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों थोड़ा उल्टा, ये इसका रनिंग उल्टा हो गया दोस्तों, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। शुरू में कम रहना चाहिए, बीच में मध्यम रहना चाहिए, उसके बाद लास्ट में स्पीड रहना चाहिए। तो इसमें मध्यम तो मध्यम है, लेकिन शुरू में ज़्यादा हो रहा है और आखिरी में कम, तो उसी को हम लोग चेंज करेंगे। ये वाइट वाला मान के चलो आपका हाई स्पीड है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये वाला मोटर में वाइट जो है हाई स्पीड है, ब्लैक जो है लो स्पीड है, तो इसी को चेंज करेंगे वो आ जाएगा। मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों मैं ब्लैक को इस साइड लगाता हूँ, ये हो गया वाइट, वाइट इस साइड में, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम एक बार फिर से चालू करके देखते हैं। अब देखना इसका आवाज शुरू में कम रहेगा, उसके बाद थोड़ा बढ़ेगा, उसके बाद और बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा स्पीड में चलेगा उतना ज़्यादा आवाज़ करेगा। देखिए आखिरी है, फुल आवाज़ कर रहा है, कम हो गया और कम हो गया, बंद। शुरू में कम आवाज़, कम स्पीड, उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए, उसके बाद और बढ़ा दिए। आपको ऐसे चेक करके लगाना है। कई बार क्या कलर कोड अलग अलग कंपनी अलग अलग देता है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार चालू करके देख लीजिए, उल्टा पुल्टा आ रहा है तो आप इसको चेंज कर दीजिए। चलिए अब हम इसके लगाते हैं कपलर। ये रहा कपलर, इसको थोड़ा प्रेस कर दीजिए या आप हल्का से पिंचिस में इसको ठोंक दीजिए, तो इसको मैं थोड़ा ठोंक देता हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों इसका नट भी लगा लिया है और कपलर भी लगा लिया हम लोग, तो अब इसको एक बार फिर से चालू करके देखते हैं। और इसके बाद ये देखिए दोस्तों एकदम मस्त फाइन चल रहा है, तो इसका मोटर का काम कंप्लीट हो चुका है, हम लोग अच्छे से लगा लिए हैं। और आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आपको फिर से एक बार यही प्रोसेस फिर से करके दिखाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।